फ्रेंड्स, हरी एनएलपी क्लासेस के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी इस समय बिल्कुल लाइव क्लास का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच हम बातचीत करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कि आपने अभी इस समय बिल्कुल से और एकदम नया एमएस एक्सेल के तहत ही अपन पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे कि कर्सर मूवमेंट शॉर्टकट तथा फंक्शन कुंजियां। देखिए क्या होती क्या नहीं होती इसके बारे में बातचीत करेंगे। ज़्यादा समय नहीं खराब करके बिल्कुल अपन बातचीत करते हैं और इसी के रूप में शॉर्टकट की कौन कौन सी है, फंक्शन कुंजियां कौन कौन सी है, उसके बारे में भी बातचीत। तो कर्सर मूवमेंट के अंतर्गत सबसे पहले कर्सर चार साइड होती है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। इसके बारे में देखिए, जैसे कि ये वाली जो है आपके मूवमेंट के अंतर्गत आ जाती है और अपने अपन जो है बातचीत इसी के रूप के अंतर्गत ही करते हैं। तो इसमें ऊपर नीचे दाएं और बाएं, ये वाली जो बातचीत होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब इसी के रूप के अंतर्गत अपना जो है बातचीत करते हैं नेक्स्ट। इसी में आती है आपके होम कीज, इसी में आती है आपके होम कीज, इसी में आती है आपके एंड की, इसी में आपके आती है पेज अप और पेज डाउन की। देखिए इससे पहले वाली जो रिकॉर्डिंग है अपने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, खराब हो गई थी थोड़ी सी, तो उसको अपन ने पूरा हटा दिया है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसके अंतर्गत वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो इसी रूप से अपन बातचीत करते हैं नेक्स्ट के अंतर्गत कि होम की हमेशा देखेंगे जो कर्सर होगा, जैसे कि लाइन चल रही आपके और अपन यहाँ तक आ गए, तो अपन को अगर वापस यहाँ आना है बिल्कुल यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे होम की को दबा देंगे तो जहां से कर्सर होगा वहां से कर्सर यहां पर होम में आ जाएगा, मतलब शुरू से स्टार्ट होगा उस लाइन के पहले। एंड में अगर आपका कर्सर यहां है, यहां जाना चाह रहे हैं या एंड करेंगे यहां आ जाएगा, वापस होम करेंगे वापस यहां आ जाएगा। जैसे कि लाइन चल रही है आपकी, आप यहां पर पहुंचे हुए हैं या फिर आपका कर्सर यहां है तो यहां से डायरेक्ट आपका कर्सर यहां आ जाएगा एंड की पोजीशन आप प्रेस करेंगे। पेज अप और पेज डाउन से तात्पर्य है, अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे। इसका ये होगा तात्पर्य। देखिए अब इसमें एक और नया शब्द आता है आपके टॉप और एक होता है बॉटम। इसमें देखिए टॉप का मतलब भी होता है ऊपर, बॉटम का मतलब भी होता है नीचे। यहां पर अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे। कहते हैं इसका पारा डाउन हो रहा है, मतलब नीचे जाना, पारा चढ़ रहा है, मतलब पारा बहुत ज्यादा हो रहा है, हाइपर में होगा आपके अप। तो इसमें जैसे कि ये पेज है, लगभग 10 से 12 पेज के ऊपर आपके कोई फाइबर का काम चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, अगर आपको पेज नंबर 5 पर जाना है आप क्या करेंगे, पेज अप अप करते रहेंगे तो आप ऊपर जाते रहेंगे। और जैसे आप पेज को नीचे लेना चाह रहे हैं, मतलब लास्ट पेज पर जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप पेज डाउन कर देंगे, लास्ट वाला जो जिस पेज पर आपका काम हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर आपका पेज ऑटोमेटिक वहां पर पहुंच जाएगा। तो ये है आपके कर्सर मूवमेंट शॉर्टकट के अंतर्गत दिया। अब हम जो नेक्स्ट बातचीत करते हैं शॉर्टकट कीज के बारे में, ज्यादा कोई शॉर्टकट कीज नहीं है, 4 से 5 शॉर्टकट कीज है, वो अपने डेली रूटीन के अंतर्गत काम में आने वाले। बातचीत करते हैं शॉर्टकट कीज के बारे में। देखिए सबसे पहले शॉर्टकट कीज है वो है आपके कंट्रोल के साथ में अगर आप एन दबाते हैं तो आपके सामने नई फाइल ओपन होती है, न्यू फाइल आपके सामने ओपन होती है। इसी के साथ साथ अगर कंट्रोल के साथ में अगर आप ओ दबाते हैं, प्रेस करते हैं ओ, तो आपके सामने जो है पुरानी जो फाइल है उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो भी आपको फाइल लेनी है वहां से आप ओपन हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ अगर किसी का इसी में अगर आपको प्रिंट करना हो तो कंट्रोल के साथ में अगर आप पी दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा।
प्रिंट से यहाँ पर तात्पर्य आपको अपने हाथ के अंदर हार्ड कॉपी आ जाएगी, लेकिन ये यह शर्त कि आपके प्रिंटर जो है आपके सीपीयू से कनेक्ट होना चाहिए। ये हो गया आपके इसी, इसमें आता है आपके कंट्रोल के साथ में सी करेंगे तो उस की कॉपी हो जाएगी, लेकिन कॉपी के साथ में आपको वापस वहां पर प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में भी, जिससे आपका वहां पर क्या आ जाएगा पेस्ट हो जाएगा। तो ये है शॉर्टकट कीज के अंतर्गत इसकी मेन भूमिका। अब अपन नेक्स्ट के अंतर्गत बातचीत करते हैं, इसी के साथ साथ में किसके लिए बातचीत करेंगे, अपन बातचीत करेंगे फंक्शन कीज के बारे में। देखिए टोटल जो फंक्शन कीज होती है वो होती है आपके 12, कितनी होती है 12 कीज होती है, तो 12 कीज के ऊपर अपन बातचीत करते हैं, लेकिन सारी सारी जो कीज है उनका अलग अलग काम होता है तो अपन उसी के रूप में बातचीत। देखिए कीबोर्ड आपने देखा होगा उससे सबसे ऊपर वाली जो की है स्वतंत्र की है सबसे अलग की जाती है वो होती है आपके एस्केप की, और उसी के साथ साथ अपन के सारी सारी जो कीज है वो चालू हो जाती है F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 और F11 F12। ये जो फंक्शन कीज होती है, फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन किसी न किसी रूप में वो कार्य करेगी। कि इस फंक्शन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है एफ, एफ फॉर फंक्शन, और एफ और यहाँ पर जो भी कीज है वो सब फंक्शन से रिलेटेड कीज ही यहाँ पर क्या हो रही है आपके आ रही है। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है आपको समझना कि कौन सी कीज कहाँ पर अपने और कौन सी कीज कहाँ पर रिलेटेड अपन की काम में आ रही है। जैसे कि नॉर्मल बातचीत की जाए तो F5 का जो प्रयोग अपन करते हैं बिल्कुल वैसे रूप से करते हैं, कैसे करते हैं F5 का प्रयोग अपन जैसे डेस्कटॉप हो जाता है अपन रिफ्रेश के अंतर्गत अपन जो इसका प्रयोग करेंगे। F1 का जो प्रयोग करते हैं वैसे ही रूप से उसके अंतर्गत हेल्प के अंतर्गत अपन प्रयोग इसका करते हैं, और F2 का प्रयोग है एडिट अगर किसी को करना है तो F2 के माध्यम से अपन उसको अंतर्गत एडिट करते हैं। अब F10 का जो प्रयोग है मेनू बार को अगर एक्टिव करना है, किसको एक्टिव करना है मेनू बार को अगर आपके एक्टिव करना है तो अपन जो है इसका प्रयोग इसमें करेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स आप सभी ने कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वगैरह रहते हैं वो इसी में रहते हैं कि कर्सर मूवमेंट शॉर्टकट और फंक्शन कीज कौन कौन सी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही कम समय के अंतर्गत बहुत ही अच्छा कर सकते हैं प्रयास, और मैं भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ साथ इस टॉपिक में अब तक के लिए यहीं पर, धन्यवाद, जय हिंद।